हेलो जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका मोड स्टफ की एक और प्यारी सी वीडियो में और हमारे GTA 5 के एपिसोड नंबर 32 में। और आज हम लोग जा रहे हैं किसी खास दोस्त से मिलने, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि माइकल गया हुआ था एक बिजनेस डील के लिए। और दूसरी आप लोगों को एक गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ एक साथ मिली होगी कि जो हमारा सीजे है वो लॉस सैंटोस में रिटर्न आ गया है, यानी कि वापस आ चुका है सीजे यहाँ पे। और सीजे के आने के बाद तो आप लोगों को पता ही है, अब लॉस सैंटोस में वापस आया तो कुछ ना कुछ धमाका जरूर करेगा। और पहला धमाका ये हो गया है कि फ्रैंकलिन जो है उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। रीजन बहुत सिंपल था, उसने यूनिवर्सिटी में वेपन अलाउड्स नहीं होते हैं, लेकिन वो यूनिवर्सिटी में चला गया था वेपन्स लेके, वो गन लेके चला गया था। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, तो इस वजह से उसको पुलिस ने अभी तो अपने हिरासत में ले लिया है। बाकी देखते हैं, अगर उसको हम छुड़वा पाए तो ट्राई करेंगे उसको छुड़वाने की, लेकिन उससे पहले हमें अपने खास दोस्त को लेके आना पड़ेगा। तो वो खास दोस्त कौन है उससे भी मैं आप लोगों को मिलाऊंगा, चिंता मत करना। पहले मैं लगा लेता हूँ उसके घर की लोकेशन। तो चलिए यार, अब हम चलते हैं उसके फार्म हाउस पे, तो यहीं से चलता हूँ मैं। और हाँ, मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि फ्रैंकलिन के लिए मैंने अपने दोस्त से बता रखा है, जो कि देव आप लोग जानते ही होंगे, जो कि FBI का एक एजेंट है, उससे मैंने बोला था। उसने मेरे भी बहुत से केसेस सुलझाए, तो मैंने बोला था कि भाई ऐसे ऐसे फ्रैंकलिन है, एक अपना बंदा खास है, तो उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। तो यार मैंने उसको बोला कि भाई फ्रैंकलिन को अगर बचाया जा सकता है तो देख ले, कुछ भी हो सकता है, अगर पैसा दे के हो सकता है, बिना पैसे के हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो उसने बोला कि कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टाइम उसको जेल में बिताना पड़ेगा। तो कितना टाइम बिताना पड़ेगा वो तो भाई पता नहीं हमें, लेकिन तब तक हम अपने दोस्त को ले आते हैं ताकि हमें इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना आए, ताकि हमें इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत ना आए, तो हम उसको लेके आते हैं। और वैसे भी सीजे अगर लॉस सैंटोस में आया है तो मुझे पता है ये प्रॉब्लम जरूर खड़ी करेगा भाई साहब। ऐसा मतलब भला इंसान है नहीं सीजे कि वो लॉस सैंटोस में वापस आए और कोई भी दिक्कत खड़ी ना करे। और बाकी वैसे भी आप लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया होगा, वो कुछ स्पेशल लोगों से मिला है, जैसे कि बेलास गेम को अब जो रन कर रहा है ओजी उससे, और इसके अलावा एक है जिमी, माइकल के लौंडे का नाम भी जिमी है, लेकिन एक और है जिमी हॉपकिंस, जो कि बहुत ही मतलब खूंखार टाइप बंदा है। तो बचपन से ही बहुत खूंखार टाइप बंदा है, उसकी हिस्ट्री क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कभी ना कभी, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बंदा है, बहुत खूंखार बंदा है। तो उससे भी मिला है सीजे, और इसके अलावा एक उसी का एक और दोस्त है जिससे वो मिला है। तो अब हमें रिस्क नहीं लेना है, तो इसके लिए हमें अपने दोस्त के पास जाना पड़ेगा। और रास्ता देख के तो यार आप में से बहुत से लोग समझ ही गए होंगे कि हम किसके पास जा रहे हैं। और माइकल की नई गाड़ी तो आप लोग देख ही चुके हो यार, जी वैगन ले ली है हम लोगों ने। तो चलो एक बार अपने दोस्त से मिलवाता हूँ मैं आप लोगों को भी, तो चलते हैं एक बार वहीं पे, और वहाँ पे जाके मिलते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, हमें वो मिलता है नहीं मिलता है। और भाई साहब हमारी जो ड्राइविंग स्किल्स हैं वो थोड़ी सी बिगड़ती जा रही हैं, क्योंकि लॉस सैंटोस में हमें गाड़ियाँ चलाए हुए तो बहुत टाइम हो गया है, लेकिन इधर तो उससे भी ज़्यादा कुछ हो गया है। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि बिजनेस डील के लिए माइकल गया हुआ था, तो उसके चलते भाई गाड़ियाँ चलाने का तो क्या ही मन था। अरे भाई, अरे ये क्या हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल गई गाड़ी भाई। तो हाँ, तो यार चलो एक बार मिलते हैं बंदे से, क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है उसको बताते हैं, हमारी सिचुएशन के भाई क्या सिचुएशन है, और सीजे के बारे में बताते हैं कि सीजे जो है वो वापस से आ गया है, सीजे इज नाउ बैक इन बिजनेस। तो चलो एक बार पहुंचते हैं यार भाई उस बंदे के पास, और उसके बाद देखेंगे क्या करने का है क्या नहीं करने का है। एक बार मिलते हैं, मिलने के बाद ही पता चलेगा आगे क्या किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता है। तब तक तो क्या ही बताएं, बस आई होप यार वो मिल जाए बस हमें, क्योंकि अगर नहीं मिला तो दिक्कत हो सकती है। तो फाइनली यार हम लोग पहुंच चुके हैं इसके फार्म हाउस पे,
और यहाँ से रास्ता था ना भाई, हाँ ये रहा, तो यहाँ से चलते हैं और मिलते हैं और उसको बताते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से वो हमारी हेल्प कर सकता है और सिर्फ वही हमारी हेल्प कर सकता है। तो चलो मिलते हैं, बस यहाँ पे मिल जाए तो। फाइनली यार यहीं पे लेटा हुआ है भाई, इससे मिलते हैं, बातें करते हैं और इसको समझाते हैं और ट्राई करेंगे कि इसको हम लॉस सैंटोस में लेके जाएंगे, क्योंकि वहीं पे अब हमारे सारे काम होने हैं। और इसका जो व्हीकल कलेक्शन है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इन्हीं सारी चीजों के साथ, इसी स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। और कमेंट में जरूर लिखना राधे राधे।